प्रदीप जी, एक सवाल है, ट्राइडेंट कैसा दिख रहा है सर? सर ये बेसिकली मतलब ऐसा स्टॉक है लाइक पेनी स्टॉक, एंड इसमें आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना है अभी, और अगर आप फंसे हुए हो तो कभी भी मौका मिलेगा तो आप एक बार एग्जिट कीजिए। यहाँ पे हमने देखा बहुत लो लेवल से उसको ऊपर ऑपरेटर वालों ने खींच के ले गया, लेकिन अभी भी फिर से उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। लेकिन इसका मैनेजमेंट भी मेरे को अच्छा नहीं लगता सर, और कंपनी भी अच्छा नहीं, तो ऐसे वाला काउंटर में आपको अभी रहना ही नहीं। पीडीएफ पीडीलाइट ने तो सर मैंने बोल दिया कि आप होल्ड कीजिए, यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करेगा पीडीलाइट आपको वो रिकवरी करके देगा। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, बिकॉज पेनी स्टॉक है, तो आपको डेफिनेटली इससे एग्जिट ही होना है। कभी भी मौका मिले तो आप मतलब कोई सोचने की बात नहीं, आपको तुरंत एग्जिट करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रदीप जी एक इंटरेस्टिंग चीज भी है कि ये जिन सज्जन ने पूछा है, उन्होंने उनकी खरीदारी काफी नीचे की थी, 15 रुपए के आसपास की थी। तो अभी प्रॉफिट में ही है, तो फिर भी उनको एग्जिट ही करना है इसमें। अच्छा ठीक है, क्योंकि वैसे तो प्रॉफिट और बहुत ज्यादा देख करके आए होंगे अगर और पहले की खरीद होगी, जो कि होगी, क्योंकि 15 की खरीदारी है तो बहुत पुराने लेवल से है। ठीक है, तो फिर तो 60-65 रुपया, 70 रुपए तक का हाई देखा है, 70 रुपए 35 पैसे तक का। और एक बात जो मैं किस लिए बोल रहा हूँ सर, फंडामेंटली भी रीजन है कंपनी का, जो कैपिटलाइजेशन जो कॉस्ट होता है बहुत ही लास्ट 3 महीने में इंक्रीज हुआ है, एंड कंपनी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट अपना जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से 5 टाइम्स ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। अभी सर ट्रेड कर रहा है 36 में, अभी 5 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मान लीजिए अब जैसे ही 70 के आसपास एक बार हाई, हाँ 70 के आसपास एक बार जब 52 एक हाई था, तो तब कितना पी में ट्रेड कर रहा था, और कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी 9% के आसपास से मतलब डिक्रीज हुआ है लास्ट 5 ईयर में। तो जिस कंपनी के पास सेल नहीं है उनका प्रॉफिट भी नहीं है, अगर सेल नहीं है प्रॉफिट नहीं है तो भाई आप कैसे ऊपर जा रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो फिलहाल एग्जिट की राय है, ट्राइडेंट में से निकल जाने में समझदारी होगी।